अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज जो है हमारे किचन में बन रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई। आज जो है अपनी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि तबीयत थोड़ी सी थी डाउन और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने फटाफट कैमरा उठाया और जो मैं चिकन कढ़ाई बनाने वाली हूँ ज़बरदस्त किस्म की, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने चिकन को कर लिया है गोल्डन ब्राउन। चिकन 1 kg लिया था यहाँ पर मैंने, फिर उसको निकाल के साइड पर कर दिया है। उसी ऑयल में मैंने 3 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 2 teaspoon साथ ही मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था और लहसुन अदरक फ्राई करते हुए साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको भी हम हल्का सा साथ ही 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज यानी कि लार्ज साइज़ के प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं। प्याज हम इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जो चिकन कढ़ाई हम बना रहे हैं इसमें मसालों का टेस्ट ही ज़्यादा आएगा, तो हमने इसमें मसाले ज़्यादा ऐड करने हैं इसलिए प्याज इसमें हमने ज़्यादा ऐड किया है। प्याज को हमने कुछ इस तरह से पिंक सा कलर दे देना है, ना गोल्डन ब्राउन करना है ना ही डार्क ब्राउन करना है। साथ ही दोबारा मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है जो फ्राई किया हुआ था, उसको मज़ीद हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जो कसर रह गई है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने साथ ही जो है 1 teaspoon नमक भी ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने से चिकन फ्राई करेंगे तो चिकन आपका हो जाएगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अक्सर सालन बनाते हुए चिकन जो है अंदर से थोड़ा कम मसाले वाला लगता है, कच्चा कच्चा सा, कच्चा भी नहीं होता लेकिन थोड़ा सख्त हो जाता है, तो आप ये किया करें, इससे जो है नमक ऐड किया करें फ्राई करते हुए, इससे जो है चिकन सॉफ्ट हो जाता है, अंदर तक पक जाता है ये। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने लिए थे टमाटर, 6 टमाटर थे लार्ज साइज़ के ही, 6 टमाटर मैंने लिए थे, उन्हें इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया था। और लेमन जूस भी मैंने साथ इसमें ऐड किया था, लेमन जूस आपने देखा है ये मैंने लिया था 2 tablespoon, ठीक है। साथ ही सिरका भी मैंने ऐड किया है 1 teaspoon, क्योंकि ये जो चिकन हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई ये थोड़ी सी खट्टी भी होगी, इसका जो टेस्ट है खट्टा भी आएगा, बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट होगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो खाली सिरका भी आप डाल लें। यहाँ पर मैंने 1/2 teaspoon लाल मिर्च ली है, 1/2 teaspoon हल्दी ली है और 1/2 teaspoon ही मैंने सफ़ेद मिर्च ली है और 1 चुटकी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, जो सूखी मेथी होती है वो, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था, 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाया था ताकि चिकन जो है वो गल जाए और मसाला भी थोड़ा सा गल जाए। तो यहाँ पे जो मसाला था वो गल चुका था और चिकन भी हमारा गल गया था, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा भून लेंगे। और यहाँ पर आ जाती है वो चीज़ जिसकी वजह से ये चिकन कढ़ाई होने वाली है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तो वो है जी हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पे 10 से 15 मैंने ली थी और इसको बारीक बारीक सा काट के इसमें चिकन में ऐड कर दिया था और इसको दम दे देंगे हम 2 से 3 मिनट का, ताकि जो इसकी खुशबू है और इसका जायका वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। तो आपने नोट किया होगा कि मैंने स्पाइसेस बहुत कम ऐड किए थे क्योंकि मुझे हरी मिर्च डालनी थी इसमें काफ़ी ज़्यादा। इस जो ये जो चिकन कढ़ाई है इसमें आपको टेस्ट आएगा बहुत ही ज़्यादा हरी मिर्च का, ठीक है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग अगर देख रहे हैं कि वीडियो में कि अगर हरी मिर्च ज़्यादा डाल दिए तो ये तो स्पाइसी हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा, नॉर्मल सा इसका रहेगा टेस्ट, क्योंकि हमने इसमें जब दूसरे स्पाइसेस ऐड ही नहीं करने ज़्यादा तो ये स्पाइसी कैसे होगा। तो हमने इसको इसी तरह से पकाना है 2 से 4 मिनट। मैंने मज़ीद इसको भून लिया था जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो इसको एंड पे मैंने क्या किया, इसको कोयले की भाप दे दी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है घर में अवेलेबल इस तरह की कोई चीज़ तो आप बेशक ना करें, लेकिन जो है इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप कोयले की भाप दें। तो 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था। तो यहाँ पे जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो हो चुकी है रेडी, हल्का सा इसमें मुझे पानी नज़र आ रहा था तो मैंने वो भी ड्राई कर लिया। 5 मिनट इसको मज़ीद तेज़ आंच पे पकाया था ताकि जो पानी था वो ड्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद इसको मैंने डिश आउट कर लिया था और बारीक बारीक सा कटा हुआ अदरक इसके ऊपर ऐड कर दिया था, हरी मिर्च ऐड की थी और हरा धनिया मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं ऐड किया। अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग लाजमी डालिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये थी इसकी फाइनल लुक। आई होप सो आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।